हेलो एस्पायरेंट्स वेलकम टू कंपटीशन गुरु आई एम डॉक्टर दीपा भारद्वाज योर केमिस्ट्री फैकल्टी जैसा कि आप जानते हैं एच का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है पी की पोस्ट के लिए और यहाँ पर टोटल 585 वैकेंसीज हमारे पास में आई हैं जिसमें केमिस्ट्री के टोटल 29 पोस्ट हैं ये एक बहुत ही अच्छा नंबर है स्टूडेंट्स अगर आप चाहते हैं कि आप एच के अंदर एक अच्छी पोजिशन लें पी के आप टीचर बने तो आपके लिए ये एक बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है बहुत ही यूज़फुल आपके लिए होने वाला है तो हमारे इंस्टीट्यूट में हम आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं एच पी पी एस सी पी जी टी केमिस्ट्री के लिए फुल कोचिंग जिसके अंदर आपको सिलेबस अपना कंप्लीट कराएंगे। सिलेबस के अंदर हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है तीन पार्ट्स में जिसमें आपको सेकेंडरी लेवल का कैसे करना है उसके बाद में ग्रेजुएशन लेवल का और उसके बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का अगर आपने नोटिफिकेशन देखा होगा तो आप अच्छे से जानते हैं इसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन है मास्टर्स और साथ में आपको बी भी चाहिए तो वो सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने मास्टर्स किया हुआ है और बी भी अपना कम्प्लीट कर लिया है वो इसके लिए एलिजिबल हैं आप प्लीज़ जाके नोटिफिकेशन को देखिए और अपने फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिल करिए नवंबर तक का आपके पास में टाइम है एग्ज़ाम के लिए हमारे पास थ्री टू फोर से फोर मंथ्स का टाइम दिया हुआ है इसीलिए अपकमिंग मंडे से हम अपना बैच स्टार्ट कर रहे हैं मैं आपको पूरा फिजिकल एंड उसके साथ में इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक ये सारा आपको कराया जाएगा सिलेबस को डिवाइड किया गया है आज के इस वीडियो में हम डिटेल्ड सिलेबस के बारे में बात करेंगे जिसको हमने अपने जो हमारे पास में प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं एच केमिस्ट्री के उनको देखकर अपना एक पैटर्न के हिसाब से आपके लिए उनको तैयार किया है तो आज हम सिलेबस की बात करेंगे उसके साथ में मैं आपको बताऊंगी कि इस एग्ज़ाम को आप कितना एफिशिएंटली पढ़ के क्वालिफ़ाई कर सकते हैं ये देखिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आपका क्वालिफ़िकेशन मैच कर रहा है प्लीज़ इस फॉर्म को फ़िल कीजिए अगर आपके नोन में फ्रेंड्स में रिलेटिव्स में किसी ने भी केमिस्ट्री के साथ में एम केमिस्ट्री के साथ में बी किया हुआ है तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए आप प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लोगों को बताइए कि वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं सेकेंड चीज़ आती है हमारे पास में फिल करने के बाद में आपको तैयारी के लिए कैसे जाना है तो उसके लिए पहली चीज़ तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका पेपर आता कैसे है तो स्टूडेंट्स आप पेपर के बारे में मैं एक अलग वीडियो में आपसे पूरा अगर आप चाहेंगे तो हम पेपर का सोल्यूशन भी कराने वाले हैं आप कमेंट में प्लीज़ मुझे अपनी क्वेरी को बताइए उसके साथ में मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो पेपर का हमने ऑब्जर्व किया है उससे हमारा ये एक कंक्लूजन निकला है कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो आपके बेसिक लेवल से मतलब कि इलेवेंथ ट्वेल्थ के टॉपिक से लेके कुछ कुछ पार्ट ग्रेजुएशन के उस पर आता है और थोड़ा सा पार्ट आपका पोस्ट ग्रेजुएशन का आता है दो ऑप्शंस होते हैं या तो आप खुद से तैयारी कर सकते हैं लेकिन फिर भी क्या होता है कि गवर्नमेंट जॉब आपके लिए आप अपने आप को यू you नो know, लेके जा रहे हैं कि मुझे ये इस जॉब को पाना ही पाना है तो आपके पास में उसके लिए टाइम कम है अगर आप अपनी एनर्जी को रैंडम वीडियोस एंड किसी भी तरीके के मटेरियल के साथ में कर रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहती हूँ ये और भी आपके लिए ईजी हो सकता है अगर आप एक सही स्ट्रैटेजी के साथ में इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए सोचेंगे मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हम बेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं अपकमिंग मंडे से तो आप क्या कर सकते हैं आपको क्या फैसिलिटीज़ मिलने वाली हैं हमारे कोचिंग सेंटर पे बस आपको फ़ोन मिलाना है नंबर आपका स्क्रीन पे दिया है आप हमसे कोई भी क्वेरी अगर आपको सिर्फ स्टडी मटेरियल चाहिए तो वो भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे और स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहती हूँ कि स्टडी मटेरियल में हमारे पास में थ्योरी के लिए अलग से मटेरियल है एंड जो एमसीक्यूज़ हैं जहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी आपको मिलेंगे हर जगह से इंडिया में जितने भी एग्ज़ाम्स एमएससी लेवल पे होते हैं केमिस्ट्री के चाहे वो आपका सी एस आई आर नेट का एग्ज़ाम है गेट का है टाइफर का है जैम है जो भी एग्जाम्स हैं और एच के जो प्रीवियस ईयर हैं उनको कलेक्ट करके पी के हमने एक अलग से मटेरियल बनाया हुआ है तो आपको क्या करना है आपको थ्योरी करनी है साथ में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे विद सॉल्यूशन देखिए आपको इतना अच्छा कंटेंट भी यहाँ पे मिलने वाला है अगर आप हमारा ये बैच ज्वाइन करते हैं तो आपको ये क्लास ऑफलाइन भी मिलेगी ऑनलाइन भी मिल सकती है और साथ में आपको रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगे अगर आप कोई क्लास मिस कर देते हैं तो आप रिकॉर्डिंग में जाके अपने वीडियोस को वापस से देख सकते हैं उसके साथ में आपको फ्री स्टडी मटेरियल मिलेगा बैच में इसके साथ में और हम अपने हमारा जो स्ट्रेटजी है आपको इस एग्ज़ाम का सिलेबस पूरा कराने का तो देखिए वो यही रहता है कि हम अपना कॉन्सेप्ट कराते हैं और साथ में आपको जितने भी क्वेश्चंस उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हैं वो हम क्लास के अंदर आपको ऑन बोर्ड कराते हैं तो यहाँ पे हम आपको ऑनलाइन एंड ऑफलाइन सारे दोनों टाइप की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं मटेरियल आपको अच्छे से अच्छा प्रोवाइड किया जाता है टेस्ट सीरीज़ चलने वाली हैं तो पूरा एक कोम्बो आपको मिल रहा है इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए जिससे कि आपके चांसेस बहुत अच्छे बन जाते हैं एच वी पी एस सी पी जी टी केमिस्ट्री बनने के लिए तो देखिए इसके पूरे डिटेल के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ अब जो आज इस वीडियो का हमारा फोकस रहेगा वो है सिलेबस को जानना तो सिलेबस तो देखिए आपको कहीं से भी मिल जाएगा अगर आप एमएससी कर चुके हैं तो आपको अच्छे से पता है कि ये आएगा ये आएगा लेकिन एक हमारे पास में क्या है पूरा पैटर्न के हिसाब से कि आपको कहाँ से कितना करना है और हम उसको किस तरीके से सिलेबस को कराएंगे इसी के बारे में मैं आपके साथ बात करूँगी तो वीडियो में बने रहिए हमारे साथ तो टोटल फाइव एटी फाइव वैकेंसीज़ हैं ये तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ इसको इस वीडियो को आप ऐसे भी शेयर कीजिए ये सिर्फ केमिस्ट्री के पोस्ट पोस नहीं है स्टूडेंट्स आपको इसमें फिजिक्स मैथ्स बायो इकोनॉमिक्स इन बहुत सारे सब्जेक्ट्स में काफ़ी वैकेंसीज आई हुई हैं तो जल्दी से अवेयर हो जाओ इसके लिए और सबको शेयर कीजिए और जिनका जिस भी फील्ड में आता है आप उनके लिए आगे से या उनको बताइए ताकि ये फॉर्म फिल करें हमारे इस कोचिंग इंस्टीट्यूट में हम, हम केमिस्ट्री के साथ में बहुत सारे टॉपिक्स को लेके भी एच का बैच अपना स्टार्ट कर रहे हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपका कोई सब्जेक्ट भी कुछ और है तो भी आप हमसे बात कर सकते हैं देखिए हमारे पास में अभी मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी आपको कि अभी तो मैम बता रहे हैं कि फाइव एटी फाइव वैकेंसीज है तो कहाँ से कितनी आई हैं थोड़ा सा उसके बारे में आइडिया देते हैं कॉमर्स में हमारे पास में बहुत अच्छी वैकेंसीज है फोर्टी सेवन वैकेंसीज आ रही हैं और उसके साथ में देखिए इंग्लिश के अंदर सिक्सटी थ्री कितनी अच्छी वैकेंसीज हैं यहाँ पे इंग्लिश के अंदर बायोलॉजी में नाइन वैकेंसीज हैं और हमारे सब्जेक्ट में स्टूडेंट्स हैं टोटल ट्वेंटी नाइन वैकेंसीज जो अपने आप में ही बहुत अच्छा एक नंबर है फिजिक्स में है फोर्टी फाइव मैथमेटिक्स में टोटल फोर्टी वन वैकेंसीज हैं और हिंदी में है वन वन सेवन इसके बाद में हिस्ट्री आता है जिसके अंदर एक सौ पंद्रह वैकेंसीज हैं इकोनॉमिक्स में सत्रह वैकेंसीज हैं और पॉलिटिकल साइंस में एक सौ दो वैकेंसीज हैं तो देख आप देख पा रहे हैं एक पूरा का पूरा आपको क्या मिल रहा है बहुत सारे टॉपिक्स में बहुत ज़्यादा वैकेंसीज मिल रही हैं इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ इसको प्लीज शेयर कीजिए आपकी छोटा सा एक काम किसी की बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है है ना हाँ जी तो आज हम हमारा जो इस वीडियो का पर्पस है वो है केमिस्ट्री के सिलेबस को डिस्कस करना तो मैंने जिस ज, जिस तरीके से इसको बनाया है इसको डिवाइड किया है कि कौन कौन से लेवल्स इसके अंदर आते हैं पहला हमारा लेवल होगा सीनियर सेकेंडरी लेवल का पार्ट वन तो पार्ट वन के अंदर स्टूडेंट्स हम आपको कराने वाले हैं जो इसमें देखिए इस और इसमें जो प्रीवियस ईयर का पेपर आपका आया हुआ है वो जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व भी कराने वाली हूँ वहाँ पे आप जाके देखेंगे कि क्वेश्चंस का जो लेवल है वो भी थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है कोई क्वेश्चन इजी है कोई क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है है ना तो हमें अपने जो हम तैयारी कराने वाले हैं उसमें भी हमने इस बात को ध्यान में रखा है कि हमारे पास में लेवल्स के हिसाब से ही हम आपको प्रिपरेशन भी कराएंगे तो पहला पार्ट में हम नॉर्मल से टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर जो कि कहाँ से आता है स्टूडेंट्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आता है इसके अंदर हम क्या करते हैं पोलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल रूल करेंगे हंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी करने वाले हैं इसके इसमें हमारे पास में हाइब्रिडाइजेशन होगा और क्या होगा कि हम यहाँ पे इसमें इलेक्ट्रॉनिक uh, कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पीरियोडिक टेबल हमारा हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट हो गया साथ में एस पी डी एन एफ एलिमेंट्स के ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं यहाँ से आते हैं अगर एटॉमिक एंड स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं आयनाइजेशन एनर्जी आती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आती है इलेक्ट्रोन निगेटिविटी आती है और स्लेटर्स रूल आता है तो ये सारे के सारे टॉपिक्स हमारे एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर आते हैं जब आप एलेवंथ में साइंस करते हैं तो वहाँ पे यहाँ इसी की स्टार्टिंग होती है एटॉमिक स्ट्रक्चर की तो ये टॉपिक वहाँ से लिया लिया गया है इसके बाद हम चलते हैं सेकेंड ट्रांजिशन एलिमेंट्स तो स्टूडेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स को बोला जाता है जो अगर आप अगर आपको टेबल पता है अगर नहीं पता है तो प्लीज़ जाके पीरियोडिक टेबल को देखिए अपने रूम में उसको लगाइए और ज़्यादा से ज़्यादा उस टेबल को याद करने की कोशिश कीजिए क्योंकि टेबल अपने आप में ही एक बहुत अच्छा वेटेज लेके आती है किसी भी एग्ज़ाम के अंदर आपको कोई भी क्वेश्चन अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन के बेसिस पे पूछा जाता है तो वहाँ पर सबसे पहली चीज़ आपको क्या पता होना चाहिए कि टेबल में मेरा जो एलिमेंट है वो कहाँ पर है ना तो टेबल पर आपको ज़रूर ज़रूर उसको याद करना है तो बात कर रहे हैं हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स की तो ये हमारा एस एन पी के बीच में आती है ट्रांजिशन एलिमेंट्स और इसमें हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है देखिए कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का ही एक पार्ट है लेकिन यहाँ पे टोटल जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है वो इसमें नहीं दिया हुआ है ये बहुत ही लाइट सा इसमें टॉपिक आएगा वर्नर्स चोरी हो गया नोमन क्लेचर हो गया उसके साथ में क्या है हमारे पास में एलिमेंट्री मोलिकुलर ऑर्बिटल अप्रोच फॉर मेटलिक बोन्ड एंड बोन्ड ऑर्डर्स की हम बात करेंगे कंडक्टर्स हैं इंसुलेटर्स हैं सेमी कंडक्टर्स हैं एंड सुपर कंडक्टर्स हैं सेमी कंडक्टर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहां से क्वेश्चन देखो आया हुआ है इसमें मैं आपको ये भी बताने वाली बताने वाली हूं कि क्वेश्चन कहां, कहां से आया भी हुआ है इसीलिए ताकि हमको ये पता चले कि कौन कौन से टॉपिक जो आपको अच्छे से आते हैं तो इस वीडियो के जरिए आपको ये भी पता चलेगा कि ये टॉपिक आपके स्ट्रॉन्ग कि इन टॉपिक पे आपको ज्यादा फोकस करना है और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं प्लीज अपने साथ में एक नोटबुक एंड पेन रखिए आप लिखिए सिलेबस को मेरे साथ में देखिए कि क्या क्या आपका स्ट्रांग है क्या क्या आपको अच्छे से पढ़ना है ताकि आपका आज इस वीडियो को देखते देखते ही एक काम तो पूरा हो जाए और वो ये कि आपको तैयारी कैसे करनी है है ना उ हमारे पास में है लेंथनाइट्स एंड एक्टेनाइट्स तो इसमें हम क्या करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड लेटोनॉइड्स का कॉन्ट्रैक्शन ये इंपॉर्टेंट है और उसके बाद में प्रिंसिपल्स ऑफ आइसोलेशन एंड एप्लीकेशन एंड एंडक्टोनोलॉज में कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इसीलिए ये टॉपिक भी अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है और देखिए जितने भी टॉपिक स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे आपको इस अभी बता रही हूँ ये सारे कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन हैं इन इनके अंदर कोई भी न्यूमेरिकल जैसा कुछ भी नहीं होता है ना ही ग्राफ्स होते हैं इसीलिए अगर आपने मास्टर्स से पहले अगर आपने बायो पढ़ा हुआ है तो ये टॉपिक आपका फोटे बन सकते हैं आपके लिए स्पेशल सब्जेक्ट्स की तरह बन सकते हैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो बायो बैकग्राउंड से आते हैं उनको एक बहुत ही एक, एक उनका एक क्वेश्चन होता है कि हमें मैथ्स में न्यूमेरिकल सोल्व करना नहीं आता हमारा फिजिकल वाला पार्ट जो है वो स्ट्रांग नहीं हो पाता तो हम कैसे इस एग्जाम को क्वालिफाई करें कैसे हम अपनी तैयारी को अच्छे से करें तो देखिए आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होने वाली है मैं खुद फ़िजिकल केमिस्ट्री यहाँ पे पढ़ाती हूँ और मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊँ हमारे जो स्टूडेंट्स हैं हम जो कर पढ़ाते हैं उसका तरीका ही हमने ये रखा है कि आपको समझा के हम ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कराएं और साथ में फ़िज़िकल केमिस्ट्री को आप इस तरीके से करें कि वहाँ पे आपको न्यूमेरिकल्स करने में भी बहुत ही आसानी होने वाली है और ये तो सारे के सारे कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है तो अगर आपको वो वाली चीज़ भी लग रही है तो आप इनको अपना मेन टॉपिक रख के चलें है ना इसके बाद में चलते हैं केमिकल काइनेटिक्स पे एंड सरफेस केमिस्ट्री तो केमिकल काइनेटिक्स न्यूमेरिकल बेस थोड़ा सा इसका पार्ट आता है फिजिकल केमिस्ट्री से सरफेस केमिस्ट्री कॉन्सेप्चुअल आ जाती है तो हम क्या पढ़ते हैं केमिकल काइनेटिक्स में रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन और फिजिकल एब्जॉर्ब्शन यहाँ तक का पार्ट था देखिए केमिकल काइनेटिक्स का उसके बाद में हमारे पास में आती है ये हमारे पास में है सरफेस केमिस्ट्री इसके अंदर हम करते हैं फिजिकल एडजॉप्शन एंड कीमोजॉप्शन कोलोइड्स एंड इमोशंस ये भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है और काफ़ी इजी भी है इसके बाद में हम आते हैं सॉल्यूशंस के ऊपर सॉल्यूशन देखिए इम्पॉटेंट है इसको प्लीज़ इम्पॉर्टेंट करके चलिएगा क्योंकि ये यहाँ से मोलैरिटी क्या होती है नॉर्मैलिटी क्या होती है यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं आए हुए हैं और क्या अच्छी बात है कि ये एक बेसिक है केमिस्ट्री का है ना कितने ग्राम को कितने आप मिलीग्राम में कैसे चेंज करोगे यहाँ से ग्राम पर मोल में है तो उसको कैसे आप कन्वर्ट करोगे ये बेसिक चीज़ें हैं केमिस्ट्री की जो हमें ज़रूर पता होनी चाहिए मोलिक्यूल्स से मोल्स में कैसे चेंज करते हैं वो गेडो नंबर को कहाँ पर यूज़ करते हैं ये सब हम इसमें बताते हैं है ना तो ये टॉपिक भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसमें हम क्या क्या करने वाले हैं टाइप ऑफ सोल्यूशंस

फिजिकल केमिस्ट्री से आता है थर्मोडाइनमिक्स के अंदर तो लॉज ऑफ थर्मोडाइनमिक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जीरो फर्स्ट एंड देयर एप्लीकेशन इसके फर्स्ट ला काफ़ी इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क हीट है ना तो वर्क एंड हीट के ऊपर तो सीधे सीधे क्वेश्चन आए भी हुए हैं और यहाँ से क्या आता है गिब्स फ्री एनर्जी पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे हम क्या देखते हैं इंथेलपी का रिलेशन देखेंगे एंट्रोपी का रिलेशन देखते हैं तो थर्मोडाइनमिक्स का ये पार्ट काफ़ी अच्छा है और इसका वेटेज भी बहुत ही अच्छा है इसके बाद में हम चलते हैं देखिए फिजिकल का पार्ट हो गया अब हम आते हैं अपने ऑर्गेनिक वाले पार्ट के ऊपर जिसमें फर्स्ट है हमारे पास में एल्केन्स एल्किन्स डाइन्स एंड हेलो एल्किन्स हेलो एल्केस कौन से होते हैं जिसके अंदर हेलोजेंस कनेक्टेड होते हैं तो सिंपल एल्किस एल्किन्स इनका इनका क्लासिफिकेशन करेंगे इनकी नेमिंग करेंगे आयो नेमिंग क्या होती है और क्या करेंगे इनके मैथड्स ऑफ प्रिपरेशन केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्किन्स एल्किन्स एंड डाइन्स एंड हेलो तो हमें क्या करना है यहाँ पे सिंपल सिंपल आपको इनकी प्रॉपर्टीज को देखना है उसके बाद में इनके रिएक्शंस करेंगे कैसे कैसे इनके रिएक्शंस को हम कर सकते हैं उसके बाद में हमारे पास में जो इम्पोर्टेंट पार्ट आता है वो आता है ये एल्डिहाइड्स कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एल्डिहाइड्स के बारे में आपको पता होगा सी डबल बोन्ड ओ एन एच ये क्या होते हैं एल्डिहाइड्स होते हैं अगर आप कीटोन्स की बात करेंगे ये तो इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं हम आर से और ये हमारा बन जाता है कीटोन और अगर आप बात करें कार्बोक्सिलिक एसिड की स्टूडेंट्स तो हमारे पास में अगर आर की जगह आ जाए ओ एच ये वाला पार्ट आर होता है तो ये क्या बन जाता है इसको आप, आप डैश कर लो तो ये हमारे पास में एल्डिहाइड है ये कीटोन है और ये है कार्बोक्सिलिक एसिड ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें हम करने वाले हैं क्लासिफिकेशन उसके बाद नॉर्मन करेंगे उसके बाद में उनकी प्रिपरेशन कैसे होने वाली है और फिर उसके रिएक्शंस को हम देखेंगे तो यहाँ पे इनके डेरिवेटिव्स को भी हम करने वाले हैं है ना ये काफी इंपॉर्टेंट है अच्छा जी इसके बाद में हम आते हैं एरोमेटिसिटी एंड अरिन्स के ऊपर <coughs> देखिए ये सब करने के बाद में ना ऑर्गेनिक का ये नॉर्मल जीओसी वाला पार्ट होता है आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एसिडिटी कैसी होती है बेसिसिटी कितनी होती है है ना क्वालिफिक क्लासीफिकेशन हो गया एरोमेटिसिटी एक ईजी पार्ट में आता है ऑर्गेनिक का और ये इसका वेटेज भी अच्छा होता है मार्क्स अच्छे मिल जाते हैं यूनिट काफी छोटी होती है ये तो ये भी आप कर सकते हैं एरोमेटिसिटी बेंजीन का करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन जहाँ पे उसका क्या देखने वाले हैं क्या रेजिडेंस है क्या डी डीलोकलाइजेशन कैसे होगा अगर कोई सब्सटीट्यूंट आता है तो उससे क्या अफेक्ट होगा हमारी बेंजीन के ऊपर पैरा सब्सटीट्यूशन क्या होता है ओर्थो सब्सटीट्यूशन क्या होता है उसके मेटा सब्सिट्यूशन क्या होता है और कैसे कैसे वो अफेक्ट करता है उसके बाद में इसके रिएक्शंस को देखेंगे सब्सिट्यूशन रिएक्शन एस एन वन रिएक्शन एंड एस एन टू रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्सिट्यूशन को देखेंगे यहाँ पे हम है ना और क्या देखेंगे जी इसमें हम देखेंगे ओरिएंटेशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप्स कि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप्स O -R हो गया ओ एम ई हो गया मतलब कुछ भी अगर आपका इसमें एनोटू हो गया अमीन हो गया इसके बाद में हेलोजेंस हो गए कोई भी अगर सब्सिट्यूट उस पर फंक्शनल ग्रुप है वो ऐड हो रहा है उसकी वजह से क्या क्या हमारी केमिस्ट्री एंजिन की बन जाती है वो हम देखने वाले हैं टेंथ हमारे पास में आता है बायोमोलिक्यूल्स का एलिमेंट अच्छा बायोमोलिक्यूल्स ये भी अगर आपको याद होगा तो आप ट्वेल्थ क्लास में इसको पढ़ते हैं चैप्टर थर्टीन फोर्टीन में करके आता है ये बायोमोलिक्यूल और ये बहुत ही अच्छा टॉपिक मैं इसको बोलती हूँ अगर आप बायो से हैं तो आपका बहुत अच्छे से होगा अगर आपका मैथ्स भी है तो भी बायो मॉलिक्यूल्स बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है है ना अगर देखिए केमिस्ट्री को करने के दो ही तरीके हैं जिससे ये बहुत इजी हो जाती है और पहला तरीका यही है कि आपको इंटरेस्ट आना चाहिए आप इंटरेस्ट के साथ में पढ़ेंगे आपको किसी भी चीज़ अगर आप देखिए केमिस्ट्री जो केमिस्ट होता है ना वो कहीं पर भी जाएगा तो उसको कुछ ना कुछ रेलिवेंट लगेगा इनका आ, फैब्रिक का कलर ऐसा क्यों है सनराइज़ क्यों हुआ है अगर हुआ है तो उसका कलर कैसा हो गया पेंट का कलर ऐसा क्यों हुआ है डिटर्जेंट ऐसे क्यों काम करता है ये सब हमसे रिलेटेड चीज़ें हैं अगर आप इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट शो करेंगे तो आपके लिए केमिस्ट्री को जानना उसको पढ़ना और कोई एग्जाम क्वालिफाई करना बहुत ईजी हो जाता है तो आपको क्या करना है इंटरेस्ट लेना है और उसके साथ में आपको थोड़ा सा एक डिसिप्लिन अपने दिनचर्या में दिखाना होगा अपने शेड्यूल में प्लानिंग के साथ पढ़िए मॉर्निंग से लेके इवनिंग में आपका जो भी बेस्ट टाइम हो आप अपने टाइम को प्लान करिए कि ये टाइम में आप सबसे अच्छा पढ़ सकते हैं उसी हिसाब से अपनी तैयारी शुरू कीजिए है ना बायोमोलिक्यूल्स की बात कर रही थी जिसमें इंटरेस्ट की बात कर रहे थे देखिए कार्बोहाइड्रेट्स हैं प्रोटीन्स हैं एंजाइम्स हैं हैं एंड ये बहुत बहुत टॉपिक अच्छा है बहुत ही अच्छा है एंड मेरा फेवरेट है क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी बहुत टू द पॉइंट आते हैं आप जितना पढ़ोगे उसी में से ही आ जाता है ज्यादा इसमें ऐसा नहीं है कि आपको बहुत कुछ ऐसा मिलने वाला है क्योंकि चेंज तो होता नहीं है कोई भी क्वेश्चन आप बनाओगे तो न्यूक्लिक एसिड जो है वो वही रहेगा तो जो भी हम इसमें पढ़ाते हैं वहीं से ही क्वेश्चन आ जाता है मैं इसीलिए भी इन टॉपिक्स को जो छोटे दिखते तो हैं लेकिन इनका जो इम्पैक्ट है हमारे पेपर को क्वालिफाई करने पे वो बहुत ज्यादा बनता है है ना तो इसी हिसाब से आप बायोमोल्स को भी प्लीज करिए देखिए इसमें कि कि आपका क्या के, कैसे आप इसको करेंगे इसके बाद में हम चलते हैं पार्ट टू पे जो हमारा आता है ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड का आने वाला है मैं आपको ऑलरेडी अभी मैंने बताया कि हमने इसको ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट किया है ताकि आप इजी टू तो डिफिकल्ट पे कैसे जाएंगे कैसे आप ट्रांसफॉर्म करेंगे और अपनी तैयारी को भी कैसे करेंगे तो हम बात कर रहे थे अपने सेकेंड पार्ट के लिए तो फर्स्ट इसमें आता है हमारे पास में केमिकल बॉन्डिंग जो कि इनऑर्गेनिक का पार्ट है मैंने आपको पहले इसमें जो पार्ट वन कराया है उसमें फर्स्ट टॉपिक था एटॉमिक एंड स्ट्रक्चर एटम्स एंड स्ट्रक्चर तो वहाँ पे हम नॉर्मल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वगैरह की हमने बात की थी यहाँ पे हम केमिकल बॉन्डिंग में आते हैं जैसे अगर आपको बेसिक चीज़ें आती हैं इलेवन ट्वेल्थ की तो उसके बाद में ग्रेजुएशन के अंदर केमिकल बॉन्डिंग के अंदर हमारी थ्योरीज हैं जो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और यहां से आपका क्वेश्चन भी काफी बारी देखे आया हुआ है अलग अलग एग्जाम्स में अगर मैं बात करूं एच की तो उसके अंदर भी हमारा ये वीबी थ्योरी से मतलब कि क्या वैलेंस बोन थ्योरी से वैलेंस बोन और क्या इंपॉर्टेंट है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थोरी यहां से आया हुआ है इसके बाद में हमारे पास में आती है वेस्पर थ्योरी वेस्पर थ्योरी से देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और इसमें क्या पूछा जाता है स्ट्रक्चर का पूछा जाएगा कि ज्योमेट्री क्या है और स्ट्रक्चर क्या है तो इसमें आपको हाइब्रिडाइजेशन भी ऐड करना है ये भी काफी काफी इंपॉर्टेंट है है ना तो ये वाला पार्ट केमिकल बॉन्डिंग का एचपीपीएससी के अंदर ही नहीं हर एग्जाम के अंदर इंपॉर्टेंट है आप कहीं पर भी जाइए कोई भी एग्जाम आप केमिस्ट्री में देंगे आपको हाइब्रिडाइजेशन उसके बाद में वेस्पर थ्योरी से आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सेम टाइप के क्या स्ट्रक्चर होगी एंगुलर होगी बैंट होगी कैसे बनेगा लोन पे लोन पे रिपल्शन क्या होगा बोन एंगल किसका कितना होगा ये नॉर्मल क्वेश्चन जो इसके ऊपर आते हैं ठीक है तो ये वाला पार्ट तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है और ये देखिए बेसिक भी है आपको ये आना अनामी चाहिए क्योंकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की हमें पूरे ही केमिस्ट्री के अंदर बहुत जगह जरूरत भी पड़ती है नेक्स्ट हम चलते हैं वेव इक्वेशन पे जो इसको किसमें लिया गया है केमिकल बॉन्डिंग में फॉर वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम देखिए ये पार्ट किसका है ये है क्वांटम केमिस्ट्री का पार्ट क्योंकि हम जो वे फंक्शन की बात करते हैं वो हम कहाँ पे कराते हैं क्वांटम केमिस्ट्री मतलब फिजिकल वाले में और वहीं पे ही एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक पूरा पार्ट आता है तो हम वहीं पर इसको करने वाले हैं मैं इसको कहाँ पे कराती हूँ क्वांटम केमिस्ट्री में ठीक है अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस की बात करेंगे हमने इससे पहले बात की थी वर्नर्स थ्योरी पे नोमन क्लेचर पे यहाँ पे हम आते हैं जो इंपॉर्टेंट है और वो है सी एफ टी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीक एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्सेस के बारे में बात करेंगे और इसमें भी वीबी थ्योरी आती है सीएफटी थ्योरी के बारे में बात करेंगे इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है हमारे पास में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से स्ट्रक्चर को डिफाइन करना उसमें क्या आता है जॉन टॉलर डिस्टॉर्शन वहाँ से क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये जॉन टॉलर इफेक्ट नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री ऑफ लेंथनॉइड्स एंड एक्टेनॉइड्स ये पढ़ने के बाद में ये वाला पार्ट बहुत ही इजी हो जाता है और मैं इसको इसके साथ में ही कराती हूँ मैग्नेटिक एंड स्पेक्ट्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे कलर के बारे में बात करेंगे कि ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ होता है उनका कलर कैसे आता है इसका कलर पेल होता है कौन सा कॉम्प्लेक्स का कलर डार्क आता है उसके रीजंस क्या क्या हैं और किन किन चीज़ों पे वो डिपेंड करता है वो पूरा हम करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि अगर आप मास्टर्स कर चुके हैं और आप इस एग्जाम इस के लिए पर्टिकुलरली तैयारी कर रहे हैं तो जो कोचिंग हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं जो जो हम आपको सिलेबस पूरा कराते हैं या क्वेश्चन कराते हैं बच्चों उसके बेसिस पे आप केमिस्ट्री का कोई भी पेपर सॉल्व कर सकते हैं कोई भी पेपर क्वालिफाई कर सकते हैं हमने इसी तरीके से अपने सिलेबस को करवाने का एक स्ट्रेटजी ली हुई है कि ऐसा नहीं है कि आपको ये वाला पार्ट कराना है तो कुछ और मिस कर देंगे इसमें हम पूरा कराते हैं अगर आप साथ में कोई और भी एग्जाम के इसमें प्रिपरेशन आप कर रहे हैं अगर ऑनगोइंग प्रिपरेशन में भी है तो भी आपको यहाँ से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है ना नेक्स्ट चलते हैं केमिकल डायनेमिक्स के ऊपर केमिकल डायनेमिक्स हमारा है केमिकल काइनेटिक्स का ही वो पार्ट जिसमें हम क्या करते हैं यहाँ पे डिटेल में फर्स्ट जीरो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस को करेंगे कॉलेजन थ्योरी को करेंगे ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी एंड देयर कंपैरिजन ये बहुत ही अच्छी यूनिट है और यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं केमिकल काइनेटिक्स भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिनका मैथ्स भी ज़्यादा ऐसा नहीं है कि थर्मोडाइनेमिक्स आप नहीं कर सकते है ना क्वांटम डिफिकल्ट लग रहा है उनके लिए केमिकल काइनेटिक्स हो गया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया फेज इक्वलीब्रिया हो गया केमिकल इक्विलिब्रिया हो गया ये बहुत ही अच्छा पार्ट है आप इस पार्ट को करिए अच्छे से ताकि आपका फिजिकल वाला पोर्शन भी कंप्लीट है ना इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ऊपर तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो बहुत बहुत ईजी भी है गेलवेनिक सेल आते हैं थ्योरीज ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स इलेक्ट्रोलाइट्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है एंड थ्योरी ऑफ एक्टिविटी जिसमें हम इक्वेशन को पढ़ते हैं यह डिबे एंडलगर इक्वेशन हमारी केमिकल में भी इसका छोटा सा पोर्शन आता है और बाकी का पोर्शन होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर और यहाँ से कई बारी आपके एग्जाम्स में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं है ना नेक्स्ट चलते हैं बच्चों आयोनिक इक्वेशन नर, पे चलेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसको प्लीज अगर आप नोट्स बना रहे हैं सिलेबस के लिए तो आप इसको जरूर जरूर अच्छे से लिखें अपने और ये करना भी है आपको है ना आयनिक इक्विलिब्रिया एंड फ्यूल सेल्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड एंड ऑल्सो वेरी नाइस टॉपिक ऑल्सो इंथेलिपियन एंड एंट्रोपी की बात करते हैं जहाँ पे हम क्या करने वाले हैं सबलिमेशन के बारे में करेंगे गिव्स एंड हेलवोल्टेज इक्वेशन ये थोड़ा सा पार्ट आता है इसको हम किसके साथ में करते हैं थर्मो के साथ ये थर्मो वाला पार्ट है लेकिन ये ग्रेजुएशन लेवल का हो जाता है इसीलिए इसको यहाँ पे रखा गया है इसके बाद में आते हैं हम अपने ऑर्गेनिक वाले पोर्शन पे जहाँ पे हम क्या कराते हैं कन्फर्मेशन एंड कॉन्फिग्रेशन तो यहाँ पे देखिए ये किस में आते हैं किस में करते हैं कन्फर्मेशन को हम करते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर स्टूडेंट्स हम इसको करने वाले हैं और पूरा स्टीरियो केमिस्ट्री आपका बहुत ही अच्छे से कराया जाता है जिसमें हम चेयर कन्फर्मेशन बोर्ड कन्फर्मेशन है ना ये सारे के सारे कन्फर्मेशन के साथ में आपको क्वेश्चन को कराया जाता है आइसोमर्स कौन से होते हैं कैसे होते हैं एनाइंशोमर्स कैसे होते हैं कीमोसेलेक्टिविटी क्या होती है ये पूरा का पूरा आपको इसके अंदर मिलने वाला है तो ये वाला पोर्शन भी काफ़ी अच्छा है और ऑर्गेनिक अगर आप कर रहे हैं पूरा का पूरा करना चाहते हैं तो आपको स्टीरियो केमिस्ट्री आपके ओन टिप्स होनी चाहिए क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं वो कनेक्टेड क्वेश्चन होते हैं उनके अंदर स्टीरियो केमिस्ट्री निकालने के बाद में आप आंसर निकाल सकते हो है ना इसीलिए स्टीरियो केमिस्ट्री को बहुत ही ध्यान से करना है नेक्स्ट चलते हैं नेम रिएक्शन के ऊपर तो नेम रिएक्शन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट uh, पार्ट हो जाता है और साथ में क्या है इसका क्या है ना कि नेम रिएक्शन की एक अच्छी खास बात क्या है कि आपको रिएक्शन का नाम उसके क्या रिएजेंट यूज हो रहा है उससे आप क्वेश्चन सीधे सीधे लगाइए क्वेश्चन को सोल्व करिए ज्यादा से ज्यादा ये वाले पोर्शन को मैं बोलूंगी आप थोड़ी से ज्यादा क्वेश्चन पे आइए और 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 अगर आप पेपर को क्वालिफाई करना चाह रहे हैं डेली रूटीन के अंदर कम से कम अपना टारगेट बनाइए कि आपको रोज कम से कम फिफ्टी क्वेश्चंस अपने लगाने हैं विद सॉल्यूशन तभी आप अच्छे से तैयारी में फुलफिल अपना हो पाएंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस करेंगे एल्डोल कंडेंसेशन वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कैनेजारो हो गया परकिन हो गया स्ट्रॉबे रिएक्शन बेंजोइन एंड बाकी के हमारे पास में आप इनके देखिए बेयर वेलिज रिएक्शन विटिंग रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मैनिक रिएक्शन ये दो रिएक्शन तो आपकी एच में भी आई हुई है बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट चलते हैं हेलो नाइट्रो अमीनोरिंस एंड डाया एजोनियम साल्ट के ऊपर तो यहाँ पे भी इसी का ही एक्सटेंशन है यहाँ पे हम सब्सिट्यूंट के साथ में करने वाले हैं एलिमिनेशन रिएक्शन को करेंगे एडिशन के मैकेनिज्म देखेंगे और क्या करने वाले हैं सिंथेटिक एप्लीकेशंस ऑफ डाया एजोनियम साल्ट इनको भी हम अपना नेम रिएक्शंस के साथ में ही करते हैं इसके बाद में हमारा लास्ट जो पार्ट टू में आता है वो है पोलिमराइजेशन एंड ड्रग्स पॉलीमर्स को भी आप कहाँ पे करते हैं ट्वेल्थ क्लास से शुरू करते हैं जहाँ पे हमने पॉलीमर्स के बारे में पढ़ते हैं जिगलर नाटा कैटलिस्ट क्या होता है पॉलीमराइजेशन में नाइलोन कैसे बनता है कौन सा सिंथेटिक रबर होता है कौन सा नेचुरल रबर होता है उन सब के बारे में बात करेंगे हम है ना और यहाँ पे क्या होता है देखिए ये सब जो मैंने बताया है ड्रग्स बहुत ही अच्छे हैं इंपॉर्टेंट है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है है ना इसीलिए भी इनको करना चाहिए एंटा एसिड्स क्या होते हैं एंटी हिस्टाम्स क्या होते हैं और क्या एंटी पैराटिक्स एंटीबायोटिक्स एंड एंटी फर्टिलिटी इन सारे ड्रग्स के बारे में हम आपको पूरा का पूरा आपको इनका मटेरियल भी प्रोवाइड कराने वाले हैं प्लस में इसका सारा का सारा क्वेश्चन जो आया हुआ है वो भी साथ में कराएंगे देखिए ये है अपने पास में लास्ट में जो आता है एमएससी लेवल का है ना तो उसमें मैंने इंपॉर्टेंट क्या क्या है मोलिक्युलर ऑर्बिटल थ्योरी वेरी ये वाला तो पोर्शन ही पूरा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मास्टर्स लेवल का होता है और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज ये भी है कि क्वेश्चन जो डिफिकल्ट लेवल के होते हैं वो यहाँ यहाँ से ही आते हैं तो आपके लिए ये भी इजी हो जाएगा कैसे मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी है तो उसमें क्या करना है आपको जो मैंने बताया है कैसे कैसे स्ट्रक्चर्स निकालने हैं जीरो नो थ्री का स्ट्रक्चर कैसे आएगा लोन पे पे लोन रिपल्शन से क्या हो जाएगा एंगुलर आएगा बेंट आएगा ये सारी बातें टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर अगर आई हुई है फिर भी उसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाता है एंगुलर हो जाता है ये सारी बातें हम करते हैं एमओ थ्योरी के बाद में उसमें करते हैं वेस्पर थ्योरी के बाद में हमारे पास में मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी आएगा उसमें करेंगे इसमें हम एल के बारे में भी बात करते हैं है ना नेक्स्ट ओ एमसी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन ओ एमसी ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड यहाँ पे हम क्या करेंगे यहाँ पे हम आपको सैंडविच कंपाउंड्स कराते हैं मेटल कार्बोनाइल्स कराएंगे साथ में कपलिंग रिएक्शन हो गया बशेरा कपलिंग है टीले कपलिंग है है ना ये सारे के सारे कपलिंग रिएक्शंस को हम यहाँ पे कराने वाले हैं उसके साथ में ऑल्फिन मेटाथेसिस कराते हैं जिसमें हम फिशर कार्बिन स्क्रॉप कार्बिन ये सब आपको इसमें सारे क्वेश्चंस के साथ में कराया जाएगा इसके बाद में चलते हैं सुपर हैवी एलिमेंट्स में जिसमें हम बात करते हैं किन की सुपर हैवी एलिमेंट्स में हमारे पास में मैक्सिमम एक्टोनोइ्स वगैरह ही आते हैं उसमें क्या है हमें उनकी कॉन्फिग्रेशन के बारे में जानना है और उनके पोजिशन जो कि पीरियोडिक टेबल में है नेक्स्ट आता है हमारा काइनेटिक्स एंड कैटालिसिस के बारे में तो इसमें एसिड बेस एंड एंजाइम कैटालिसिस के बारे में बात करने वाले हैं ये पार्ट भी मेरा कहां से आता है केमिकल काइनेटिक्स से इसके बाद में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो पार्ट पार्ट थ्री में है मतलब जो डिफिकल्ट पोर्शन में है वो हमारे पास में आता है कोलराजला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसके एप्लीकेशन एंड मेमब्रेन इक्वलीब्रिया नेक्स्ट हमारे पास में थर्मोडाइनेमिक्स का थर्ड लो ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स जो कि अपने आप में ही काफी अच्छा पोर्शन है यहाँ से तो जूल जू, थोम्सन एक्सपेरिमेंट वगैरह से भी क्वेश्चंस काफी एग्जाम्स में हमें मिलते हैं इसके बाद में करते हैं देखिए एलिमिनेशन रिएक्शंस एंड सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस एस एन वन एस एन टू एस एन आई है ना इन एंड ई टू ये सारे के सारे रिएक्शंस करेंगे इनकी प्रिपरेशन केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनोल्स ईथर्स एंड इपोक्सासाइड्स ये हमारा ऑर्गेनिक का पोर्शन हो गया अल्फा बीटा अनसैचुर तो के अंदर नेक्स्ट है pericyclic reactions, जिसमें हम करेंगे साइक्लो एडिशन ये है काफी इंपॉर्टेंट छोटा लेकिन काफी इंपैक्टफुल पोर्शन है हमारा ये और उसके साथ में क्या आएगा सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट फोटो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑफ एल्कि इसके में लास्ट टॉपिक जो मेरा पार्ट थ्री का है वो है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी अगेन इट इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट एंड आल्सो अ पार्ट ऑफ जनरल साइंस ये तो आपको वैसे भी आना चाहिए भाई है ना ओजोन डिप्लेशन ग्रीन हाउस इफेक्ट ग्लोबल वार्मिंग एलिमेंट्री आइडिया ऑफ आई आर यू वी एन एम आर इसको इसके साथ में एनवायरमेंट के साथ में हमें एडिशनली क्या दिया गया है स्पेक्ट्रोस्कोपी दिया गया है और अगर आप बात करेंगे आई आर की तो ये ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर आता है यू किसके अंदर आता है ये भी ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रो के अंदर आता थोड़ा सा पोर्शन इसका फिजिकल स्पेक्ट्रा के अंदर आता है और लास्ट है एन एम आर ये भी मेरा कहाँ पर ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा में आता है ना तो देखिए इसमें मैंने सिलेबस आपको तीन पार्ट्स में पूरा बता दिया है इजी टू डिफिकल्ट पे हम जाते हैं आज आपको क्या करना है इस सिलेबस को देख के अपना प्लान करिए कि कौन कौन से टॉपिक्स आपके अच्छे हैं कौन कौन से टॉपिक्स में आपको जरूरत है और देखिए जैसे कि मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी बता चुकी हूँ बार बार हम इसीलिए आपको बताते हैं कि कौन सी चीज़ आपके लिए कितनी ज़्यादा काम के निकल के आ जाएगी कोई नहीं जानता बस एक ही चीज़ की जरूरत है और वो है आपके एक्शन की तो अभी एक राइट टाइम है एक राइट एक्शन को लेने का आपके पास में बहुत ही अच्छा टाइम है एक सफिशेंट टाइम है अच्छी प्रिपरेशन करने का देखिए कैंडिडेट्स ये क्वेश्चन आता है आज एक स्टूडेंट मुझसे बात कर रहे थे कि बहुत सारी एप्लीकेशन आते हैं बहुत सारे बच्चे इस एग्जाम को देते हैं है ना तो आप अपने बारे में देखिए कि बहुत सारे बच्चे में से कौन से कौन से बच्चे हैं जो बी कर चुके हैं उसके बाद में कौन से ऐसे बच्चे हैं जो एक्चुअल में तैयारी के लिए सीरियस होते हैं और जो सीरियस होते हैं उन्होंने कौन सा रास्ता चूज किया है अपनी तैयारी को करने का क्योंकि यहाँ पे क्या है हमें बहुत ही शार्प माइंड से अपने इस एग्जाम को करने के लिए एक स्ट्रेटेजी बनानी है तो फिर से मैं वही बात बोलूंगी हम अपना बैच स्टार्ट कर रहे हैं अपकमिंग मंडे से जिसमें हम आपको स्टार्ट कराएंगे फिजिकल इन ऑर्गेनिक से और पूरा का पूरा ये पार्ट बेसिक टू एडवांस कराएंगे साथ में क्वेश्चन अटैम्प्ट कराएंगे अगर आप ऑफलाइन क्लासेस नहीं ले सकते हैं तो ऑनलाइन की फैसिलिटी भी आपको यहाँ से मिलने वाली है रिकॉर्डिंग के क्लासेज मिलेंगे और टेस्ट सीरीज़ भी मिलेगी तो इसके लिए आप क्या आपको सिर्फ क्या करना है आपको दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करना है यहाँ पे फुल इन्फॉर्मेशन हमने दिया है हमारे पास में इसका ऑनलाइन क्लासेस का भी है और क्या है जो स्टडी मटेरियल है उसका हमने आपको यहाँ पे पूरा इन्फो दिया है साथ में ये हमारे स्क्रीन के ऊपर नंबर हैं जल्दी से फ़ोन उठाइए और अपने क्वेरी को हमसे डिस्कस कीजिए अगर आप पूरा ऑनलाइन कोचिंग का भी ये नहीं आपको सुटेबल जो भी लगे आप उसके उसके अकॉर्डिंग करिए अगर आपको सिर्फ़ और सिर्फ स्टडी मटेरियल की ज़रूरत है तो भी आप हमें फ़ोन करके हमसे बात कर सकते हैं बट मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन में मानती हूँ कि बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है इसके लिए कोई भी रिस्क मत लेना जितना ईजी एंड ब्रीजी आप कर पाओ इसको कितने अच्छे से आपको कंटेंट मिल पाए और वो भी ईजिली ताकि टाइम वेस्ट ना हो अभी टाइम वेस्ट करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है तो जल्दी से कॉल कीजिए अगर आपको बैच ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हैं और मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि तैयारी अच्छे से कीजिए एग्जाम को क्वालिफाई कीजिए जो भी अपने लिए बेस्ट है उसके लिए डिसीजन लीजिए तो ऑल दी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स थैंक यू सो मच